हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उपराष्ट्रपति। कल की क्लास में राष्ट्रपति पढ़ाया था, लेकिन उसकी हाई क्वालिटी के कारण चल नहीं पाया, वो मिस्टेक के कारण। आज मैं आपके लिए उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद लेकर के आया हूँ और एक बेहतरीन ट्रिक भी लेकर के आया हूँ। उस ट्रिक से पढ़ाऊँगा, आप चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। आइए तो हम शुरुआत करते हैं फालतू वेस्ट टाइम ना करके। उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रकार के अनुच्छेद आर्टिकल अब देखते हैं। हम ट्रिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ट्रिक हमारी ट्रिक है ये वाली ट्रिक है, उसका निकास शनि है। तो इस ट्रिक से अपन जानेंगे जैसे कि आर्टिकल 63 से हम देखेंगे। आइए दोस्तों, 63 दे रखा है ऊ, जैसे उसका निकास शनि है। तो ऊ से मतलब होता है 63। भारत का उपराष्ट्रपति, ऊ से उपराष्ट्रपति, मतलब 63 में भारत के उपराष्ट्रपति की व्याख्या की गई है। क्या सर, क्या बोला मैंने? 63 आर्टिकल के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार जैसे अब आता है सेकंड वर्ड आता है से का मतलब होता है 64 के अंदर, से का 64 के अंतर्गत ये दे रखा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, ऐसे मतलब से मतलब होता है सभापति। तो अपन पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। आइए हम अगले के आगे बढ़ते हैं। का मतलब क्या है? उसका है 65 के अंदर उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति संभालेंगे। मतलब कहने का ये है कि आर्टिकल 65 के अंतर्गत ये दे रखा है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो उसका पद भार संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। इसीलिए इस आर्टिकल के 65 के आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति उसके पद का भार संभालेंगे और उसी को उसके वेतन भत्ते सारे उसी की जगह पर दिए जाएंगे। सारी सुख सुविधाएं उपराष्ट्रपति लेगा। आइए अब हम पढ़ते हैं 66। अब आता है निकास 66। नी का मतलब है कार्य का निर्वाचन, निर्वाचन से संबंधित है 66। निर्वाचन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अब निर्वाचन के लिए किस एक पद्धति होती है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ ये समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है 66। नी से संबंधित है निर्वाचन का रेड से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। निर्वाचन ये राष्ट्रपति को या फिर उपराष्ट्रपति को इसकी एक ही विधि है, एकल आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मतदान पद्धति, एक आनुपातिक प्रतिशत एकल संक्रमण गुप्त मतदान पद्धति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता, अपने वोट को दिखा नहीं सकता कोई भी, गुप्त मतदान प्रतिनिधि से होता है, प्रक्रिया से होता है। और यह है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें सिर्फ भाग लेने वाले, केवल सिर्फ विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसमें केवल संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आइए हम अगला
प्रॉफिट समझते हैं 67 67 के अंतर दे रखा है का, का मतलब कार्यकाल, पदावधि, पदावधि मतलब कार्यकाल, पदावधि, पदावधि का दे रखा है कार्यकाल। मैं मिटा देता हूँ एक मिनट, पदावधि यानी कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल कितना होगा उपराष्ट्रपति का, तो वही है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा उपराष्ट्रपति का, ये दे रखा है 67 के अंतर्गत। फिर आता है 68 मतलब ये दे रखा है कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर निर्वाचित करने का समय, निर्वाचित करने का समय, इसका मतलब है 67 के अंतर्गत दे रखा है कि यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है, अगर अनुपस्थित होता है तो कितने समय के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की नियुक्ति की जानी, निर्वाचित करने का समय, यानी 6 महीने महीने के अंतर्गत इसका चुनाव कराना अनिवार्य होता है उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करना अनिवार्य होता है, इसीलिए अपन कहते हैं उपराष्ट्रपति का रिक्त होने पर निर्वाचित करने का समय 6 महीने है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। वैसे तो हालांकि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति उसके पद का भार संभालेगा, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, और उपराष्ट्रपति का खाली हो तो राष्ट्रपति संभालेगा, और अगर ये दोनों भी ना हो इस कंडीशन में तो एक और ऑप्शन आता है जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वो हमारे इस पद का भार संभालेगा, उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अब आते हैं अपन 69 में आता है छह आता है उपराष्ट्रपति को शपथ से, यानी शपथ, शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है 69 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करेगा राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो महान न्यायवादी, हमारे सर्वोच्च न्यायालय का महान न्यायवादी। जैसे अब आता है 70 यानी अन्य आकस्मिक एवं कर्तव्य निर्वहन, इसमें अन्य आकस्मिक एवं कर्तव्य निर्वहन का पालन किया जाएगा, इसके अंदर दे रखा है नी यानी निर्वहन, निष्ठा से अच्छी तरीके से कार्य का निर्वहन करने की बात की गई है, इतने ही राष्ट्रपति से संबंधित हैं, और 71 में दे रखा है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय, कौन कौन से सशक्त विषय हैं जिसके अंतर्गत जैसे अपन कह सकते हैं कि सशक्त विषय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसे अप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि वे लाभ के पद पर न हो, हमारे भारत का नागरिक हो, और किसी भी लाभ के पद पर तो होना ही चाहिए, भारत का नागरिक हो, संसद की सदस्यता रखता हो, रखने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। आइए तो अब हम समझाते हैं, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन सभापति, ये आर्टिकल 64 के अंतर्गत दे रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका वेतन की अगर इसके वेतन की बात कही जाए तो 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये इसका मासिक वेतन है एक महीने का। इसके चुनाव के लिए
इसके चुनाव के लिए 20 सदस्य अनुमोदक और 20 ही सदस्य इसके साथ होने चाहिए। 20 ही सदस्य साथ होने चाहिए। क्योंकि इनके साथ होने चाहिए। और आगे और बात करें हम उपराष्ट्रपति को लेकर के, जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। और चुनाव लड़ने से पूर्व 15,000 रुपये इसको जमा कराने होते हैं। 15,000 रुपये क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति, क्योंकि हर कोई बंदा अगर चाहे तो ऐसे कोई भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकता है, तो इसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें जो बता रहा था ना, शर्तें इसके अंदर दे रखी हैं। ये 69 के अंतर्गत शर्तें दे रखी थी। शर्तें मतलब होती है कि 15,000 रुपये जमानत राशि होती है, वो जमानत राशि उपराष्ट्रपति को जमा करानी पड़ती है। और एक शर्त होती है कि 1/6 मत उन्हें प्राप्त करना होगा। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब्त कर ली जाती है। मतलब अपने कब्जे में ले लिया जाता है। और उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। मुख्य कार्य होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। और इसके बहुत सारे कार्य हैं। इनकी योग्यता 35 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष से उपराष्ट्रपति के पद के लिए 35 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। और संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपके लिए अगली राज्यसभा और संसद से लेकर के आऊँगा। इसको आप मेरे सपोर्ट करें। और ये मेरी सेकंड वीडियो है, मैं फर्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगा और अच्छे से बनाने के। थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।